मुझे भी हाल ही में पता चला है कि मिस्टर निखिल प्रियदर्शी जो बिहार के वासी हैं, पटना के रहवासी हैं, उनके बारे में कि वो उन्होंने कुछ किसी के साथ में दुष्कर्म किया है, किसी नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है। मिस्टर निखिल प्रियदर्शी से हमारी भी किसी इवेंट के दौरान ही मुलाकात हुई थी CCL के टाइम पे, और उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी फॉर सम इवेंट्स, और उसके बाद में काफ़ी बातचीत हमारी हो रही थी। जब हमको पता चला कि इवेंट से रिलेटेड जो उनका काम है, जो ये बता रहे हैं कि ये करेंगे, और रेडिसन होटल जो ये स्टार्ट करने जा रहे थे उसके पूरे इवेंट्स सेनूर कंपनी में वो देने का आश्वासन दे रहे थे, उसी दौरान हमारी 4-5 महीने के लिए बातचीत थी। और जब भी पटना जाना होता था तो उनसे मुलाकात भी मेरी उस वक्त उस दौरान हुई है। उसके बाद पिछले मार्च तक में मुझे लगता है कि उनसे कोई बातचीत होने का रीज़न ही नहीं था, क्योंकि ना उनका इवेंट्स टेक प्लेस किया, ना उनके रेडिसन होटल की शुरुआत हुई, तो हमारी बातचीत भी वहीं पे कम हो गई। और मार्च के बाद में मेरी उनसे कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई है, उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं है। और अब काफ़ी सारी न्यूज़ आने लग गई है जिसमें ये मालूम पड़ रहा है कि सडनली कुछ इस तरह की न्यूज़ छापी गई है जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने किसी नाबालिग लड़की के साथ में कुछ दुष्कर्म किया है, और उसी से पता नहीं कैसे बट मेरा कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। सो मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये सुनकर। सबसे पहले तो उस लड़की के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है कि कोई जो एक अच्छे परिवार से दिखता या समझ में आता था कि एक अच्छे परिवार से है, वो लड़का किस तरह से ऐसी हरकत कर सकता है मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इस तरह का कुछ सेक्स रैकेट चलाने की हिमाकत भी वो कर रहा है, जबकि उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और ही बता रहा था। तो वो सुनकर मैं बहुत दंग रह गई हूँ। बट मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी उनसे पिछले मार्च से आज 1 साल होने को आया है, कोई उस फोनिक कॉन्वर्सेशन या किसी भी तरह की बातचीत नहीं है, और फिर भी पता नहीं क्यों प्रेस मीडिया में भी नाम लिया जा रहा है। और जबकि कोई मुझे अभी तक किसी पुलिस स्टेशन से कोई कॉल नहीं आया है, कोई CID से मुझे कॉल नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मुझे कॉल नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस भी खंगाल चुकी होती, कॉल रिकॉर्ड निकाल चुकी होती, उनको आइडिया मिल गया होता, अभी तक इंक्वायरी हुई होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एक सिंगल कॉल नहीं आया है। निखिल प्रियदर्शी ने उस नाबालिग लड़की के साथ में ऐसा कुछ भी दुष्कर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आई सपोर्ट दैट कॉज। मैंने हमेशा लड़कियों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, मैं UP में, बिहार में, मैं हमेशा लड़कियों के प्रति सद्भावना रखते हुए उनके प्रताड़ना या शोषण के अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी सेशंस होते हैं तो मैं उसमें हमेशा सक्रिय होकर भाग लेती हूँ। और ऐसे वक्त पर इस चीज़ से रिलेट होना या लिंक होना मतलब मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात हो जाती है। तो फॉल्स न्यूज़ प्लीज़ मत छापिएगा, यही मैं कहूँगी। बेसिकली उन्होंने जो शुरुआत की थी वो CCL के बाद करीबन 2 महीने के बाद मुझे उनकी तरफ से कॉल आया था रिगार्डिंग एन इवेंट, और फिर वो इवेंट कैंसिलेशन का भी उन्होंने उसी वक्त बताया। लेकिन हमारी बातचीत शुरू हो गई। उस दौरान उन्हें पता चला कि मेरी कंपनी है सेनूर एंटरटेनमेंट, जिसके तले हम लोग CCL के एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे इवेंट्स भी करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था कि हमारे महिंद्रा के जो भी इवेंट्स होंगे वो इवेंट्स आप उस कंपनी में कर सकते हो, और हम लोग एक नया होटल स्टार्ट कर रहे हैं रेडिसन, जिसका पेपर वर्क भी बाकायदा मैंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी देखने के बाद में ही उसको डिसाइड किया कि हाँ जेन्युइन वर्क है और जेन्युइन वर्क के रिलेटेड में ही बुला रहे हैं। तो वो सब चेक करने के बाद में, उसकी जेन्युइनिटी जानने के बाद में ही मैंने फिर डिसाइड किया कि वी विल टेक अप विद दिस वर्क। टिल दैट टाइम महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो भी उनके इवेंट्स होंगे वो हम लुक आफ्टर करेंगे। सच यहाँ तक है कि एक ही बार जब मैं पटना में थी तो इट हैपेंड टू बी 31st night, और 31st night को हम लोगों की मीटिंग भी थी। तो उसी दौरान हमने क्या किया कि जो रेडिसन होटल जिसके लिए वो बैंक लोन्स की बात कर रहे थे उसके बारे में कोई मीटिंग थी जो उनके GM SBI बैंक के GM सुजीत गुहा और उनकी वाइफ के साथ में थी। सो वी हैड अ डिनर पार्टी एंड दैट वाज इन मौर्या, इट वाज इन पब्लिक प्लेस। तो काफ़ी प्लेजेंटली हम लोग गए उसके लिए, डिनर किया और हम चले गए।
तो यही एक इवेंट है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं नाइट पार्टी जिसको आप बोल रहे हैं उसमें मैं दिखी गई होंगी। उसके अलावा मेरे नॉलेज में कहीं भी सोशलाइज किया हुआ, पार्टीज़ में सोशलाइज किया हुआ मुझे याद नहीं है। एक बार उनसे मुलाकात हुई थी और जैसे उनके पिताजी है, उनकी माताजी थी और भैया और भाभी को मैंने जितना देखा और समझा, मुझे यही समझ में आया कि निखिल एक बहुत अच्छे परिवार से हैं। वो बहुत ख़ानदानी महसूस मुझे हुए, इसीलिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगता है क्योंकि उनके पिताजी से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उस दौरान उनका जो गहन ज्ञान था, एक्साइज कमिश्नर थे और उनका इवन कल्चर और हेरिटेज के बारे में जितना नॉलेज था, मुझे लगता है बहुत कम लोगों के पास उतना नॉलेज होगा। बहुत बुकिश थे, कविताएं लिखते थे और उन्होंने मेरा नंबर लेकर मुझे एक कविता भी सुनाई थी। बहुत दुखी हुई जब सुना कि कोई अक्वेंटेंस, जान पहचान का कोई इंसान किसी के साथ में ये कर रहा है। दैट केम एज अ बिग शॉक टू मी। प्लैनेट भोजपुरी।